मैं आ गया वापिस। आज मैं आपको बताऊंगा आईपीएल की बेटिंग के बारे में। तो ये रही बैट। तो आज मैं थे चेन्नई वर्सेस कोलकाता। तो यहाँ पे इधर अपने को 22 करोड़ का 34 CR मिल रहा है और इधर 22 का 37। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें आप। मैच देखे, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है उस पर फोकस कीजिए। और एक बात, अगर इधर ऑड्स 3-4 हो जाए तो आप एक छोटा सा रिस्क 10 करोड़ का है जो ले सकते हैं। आप यहाँ पे 10 करोड़ जब इधर बैट लगाओगे 10 करोड़ की, तो आपको उसका 4 गुना मिलेगा, मतलब 50-60 करोड़ मिल जाएगा 10 करोड़ का। तो आप यहाँ पे 10 करोड़ लगा सकते हो रिस्क बाय चांस। अगर ये मैच आप कोलकाता जीत जाती है, मैं अभी जो है वो इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ और जीतता हूँ, और मैं कुछ लॉस में नहीं जाता। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इधर और 3-4 हो जाए, एक टीम के तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एक टीम बुरी तरह से पिछड़ने वाली होगी, तो वो टीम का और से ना 3-4 एक टाइम के लिए आएगा, 3×4×। तो जब 3 गुना हो जाए उसका, तो आप अपना 10 या 20 करोड़ का रिस्क लेके उस पर लगा सकते हो। 10 या 20 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये का खेल है 20 करोड़, और कुछ बड़े 500 का रिस्क आप ले सकते हो। और उस 500 को अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी तो पूरी तरह हारने ही वाली है, तो आप रिस्क ले सकते हो चेन्नई पे। फिर चेन्नई पे आप उतना लगाओ कि आपको आपका 20 करोड़ कवर हो जाए। तो आप कम से कम 100 करोड़ लगाओगे चेन्नई पे, तो आपका 20 करोड़ कवर हो जाएगा। इसके लिए आपके पास चिप्स होना ज़रूरी है। आपके पास अगर चिप्स का स्टॉक होगा तो आप ये आईपीएल बेटिंग में बहुत जीत सकते हो 3 पत्ती के ज़रिए। मेरी इस आईडी में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मेरी कौन सी आईडी में चिप्स है। तो किधर गया मेरी, एक ये वाला आईडी है पार्थ वाला, और दूसरा है, दूसरे में ये वाला एक आईडी है चिराग वाला। तो मैं चिप्स का स्टॉक रखता हूँ। तो अभी इस आईडी में मैं लॉस होके निकला हूँ, तो आज गया हूँ, तो मैंने सोचा यार चलो अब बेटिंग आपको एक टिप दे दूँ, क्या करना है कैसे करना है। अभी देखते हैं यार, दोस्तों अभी बैठने लगे हैं मेरे दोस्त। देखो ये यार, ये मेरी आईडी है, मैंने कर रखा है ये इधर, मतलब दोस्त की आईडी है, मैंने उसको सजेशन दिया था, उसने ऐसा किया है, चेन्नई पे डाला है 46 CR और अपना कोलकाता पे डाला है 9 CR। तो इसने ज़्यादा बेट रिस्क नहीं लिया, लेकिन अगर ये चेन्नई जीत जाती है तो इसको मिल जाएगा इतना। लेकिन यार अगर चेन्नई लॉस हो जाएगी तो इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर 20-30 करोड़ का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इधर। और इसने भी चेन्नई पे लगा रखा है, क्योंकि मैंने बोला था मेरे दोस्तों को कि यार चेन्नई पे आज लगाओ, क्योंकि मेरे को आज लग रहा है कि चेन्नई जीतेगी। और इसने 500 CR कलकत्ता पे लगा दिया है। गिरी रमेश, ये भी मेरा दोस्त है, इसको मैंने बोला नहीं था, मेरे को लग रहा है चेन्नई जीतेगी, मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा है चेन्नई जीतेगी। देखते हैं यार क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में मैच पूरी हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कौन जीता है। तो आज का डेट मैं आपको बता दूँ, 4-10 तारीख है आज, 10 अप्रैल। तो आप वीडियो कभी भी देख सकते हो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद। तो आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेरी बुराई भी कर सकते हो, यार आपने बोला चेन्नई जीतेगी तो चेन्नई तो नहीं जीती, कोलकाता जीती, तो मेरे को अंदर से लग रहा है चेन्नई जीतेगी। और पहली मैच में भी मैंने चेन्नई पे लगाया था, तो मेरे अच्छा खासा मैं ओन हो गया था, मैंने करीब 70 करोड़ लगाया और मेरे को 200 करोड़ मिल गया 70 का। उसके नेक्स्ट 2 मैच में मैंने रिस्क थोड़ा कम कर दिया, 10-20 करोड़ लगाया, और अभी तक मैं आईपीएल में से वन में ही हूँ, ठीक है।
तो अब यार माइंड से बेटिंग खेलो इधर, देखो इसने भी चेन्नई पे लगाया है, और ये भी मेरी आईडी आपको पता है, तो इसमें मैंने गलती से इधर क्लिक हो गया था कोलकाता पे, तो ये मेरी आईडी है दिया पटेल। तो अभी चेन्नई का चांस ज़्यादा है और कोलकाता का कम है, पर मेरे को तो यही लगता है चेन्नई जीतेगी। बाकी तो यार क्रिकेट तो बुकी का खेल है यार, बुकी कभी भी गेम पलट सकते हैं। तो अब मैंने आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से आप खेलेंगे तो लॉस नहीं होंगे कभी। ओड्स पे ध्यान रखना जो है ओड्स, अगर वो एक साइड इधर आपको मिल रहा है 10 करोड़ का, 30-50 मिल रहा है, 10 का 50 मिल रहा है, तो लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप दूसरे दे 10 करोड़ कवर करना कोई मामूली बात है नहीं, तो आप ये कर सकते हो। बस यार इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था मेरे दोस्तों को यार, थोड़ा बेटिंग के बारे में थोड़ा बता दूँ मैं ये 3 पत्ती में यार माइंड से बेटिंग कैसे करते हैं। लेकिन उसमें एक बात है यार, हम जो इधर अगर वो हारने वाली टीम पे लगाएंगे तो जाएगा वो, तो 80% तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आएगा तो फिर चांदी चांदी है। मैंने चेन्नई पे भी ऐसे ही किया था, तो अपना जो है ब्रावो ब्रावो ने कमाल कर दिया था। तो और बाकी आपकी मर्ज़ी यार, सलाह लेना हो तो लो, ना लेना हो तो लाइक करके चले जाओ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और लाइक कर दे, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, कोई ज़बरदस्ती है नहीं अपने यहाँ। तो चलो बाय दोस्तों। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ।